अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासिद और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताऊंगा, अगर आप अपना याहू का अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे जो वो डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जो वो गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने याहू की वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये कि गूगल क्रोम को जो है वो डेस्कटॉप मोड पर करना है। डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स आपको नजर आएंगे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो गूगल क्रोम जो है वो डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वेबसाइट जो है थोड़ी सी लोड होगी, और उसके बाद आपको जो है वो थोड़ा सा जूम करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेम और ये आगे आपकी प्रोफाइल पिक्चर बनेगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज अकाउंट्स लिखे, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने दोबारा थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट इन्फो लिखा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद दोबारा आपने जो है गूगल क्रोम को डेस्कटॉप मोड पर करना है, तो डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए आपने दोबारा थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। तो ये गूगल क्रोम जो है डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा दोबारा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट पर आपको हेल्प का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल आपने हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने दोबारा थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर कर देना है इसको। तो यहाँ पर आपको जो है ये जब डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइट पर लिखा हुआ है क्रिएट और डिलीट अकाउंट। आपने थोड़ा सा जूम करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट और डिलीट अकाउंट लिखा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्लोज और रीएक्टिवेट यूअर याहू अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा थोड़ा सा जूम करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन टू द याहू अकाउंट टर्मिनेशन पेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो यूज़र नेम या ईमेल और मोबाइल नंबर जिससे जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, इसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है वेरीफिकेशन के लिए। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो लिख लेना है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यू डिलीट माय अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके जो याहू अकाउंट है उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने जो है वो लिख लेना है। तो मैं अपने यहाँ पर याहू अकाउंट की ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने यस टर्मिनेट दिस अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस टर्मिनेट दिस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूअर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड एंड शेड्यूल्ड फॉर डिलीशन, तो सिंपल आपने जो है वो गॉट इट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गॉट इट पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना याहू का अकाउंट जो है वो डिलीट कर सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।